कुनू नदी में भटनावर निवासी युवक का शव मिला। एक दिन पहले नहाने के दौरान डूब गया था। शिवपुरी जिले के भटनावर गांव के रहने वाले एक 25 साल के युवक की मौत जिले की सीमा सटी कुनू नदी में डूबने से हो गई। युवक गुरुवार दोपहर नदी में नहाने के दौरान डूब गया था, जिसका शव शुक्रवार की सुबह रेस्क्यू टीम ने कुनू नदी से बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के भटनावर का रहने वाला 25 वर्षीय अभिलाष तिवारी पुत्र बालेश्वर तिवारी गुरुवार दोपहर बाइक पर सवार होकर अपने दो दोस्त नमन शर्मा एवं एक अन्य के साथ श्योपुर जिले के सिसईपुरा थाना क्षेत्र में आने वाली कुनो नदी में नहाने के लिए गया हुआ था, जहां अभिलाष तिवारी अपने दोस्तों के साथ कुनो टांग बंगला कुनो रिजॉर्ट के पीछे गहराई में नहाने चला गया था। इसी दौरान नहाते वक्त वह नदी में डूब गया। इसकी सूचना साथ ही दोस्तों ने अभिलाष के परिवार और सिसईपुरा थाने को दी थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सिसईपुरा पुलिस ने SDRF के साथ मिलकर अभिलाष की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन अंधेरा होने तक अभिलाष का कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद आज शुक्रवार को एक बार फिर अभिलाष की तलाश में SDRF की रेस्क्यू टीम कुनो नदी में उतरी थी, जहां करीब एक घंटे की तलाशी के बाद अभिलाष का शव कुनो नदी से बरामद कर लिया गया। सिसईपुरा पुलिस ने मार्ग कायम कर अभिलाष के शव का पोस्टमार्टम करहल में कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।